Good morning everyone, my name is Mohsin Sayed and welcome back to our Udaan Academy. So today what we are going to discuss, हमने जो अब तक 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखा था, फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी 7th हिस्ट्री, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे. और आज हम इसमें क्या देखेंगे, पार्ट सेकेंड रहेगा हमारा, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हमने दो मैप देखे थे, अल इदरीसी ने एक मैप जो बनाया था 1154 में और दूसरा मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720 में. ये दोनों मैप की हमने तुलना की, वी कंपेयर दिस बोथ मैप. और हमने देखा तथ्यों के आधार पर किस तरह से डिफरेंट किया जाता है, वन इज़ नॉट फेमिलियर एंड द सेकेंड वन मैप इज़ फेमिलियर टू टुडे आल्सो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकेंड देखते हैं हम आज. एनसीईआरटी 7th हिस्ट्री रहेगा, फर्स्ट चैप्टर रहेगा, पार्ट सेकेंड रहेगा, ठीक है. ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आज सिंपल सी चीज़ देखेंगे. वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे, कि आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकेंड में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर है ना हिस्ट्री का, तो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है. इन पॉइंट पे बस हम डिस्कस करेंगे. देखिए इन चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे. हमारा पहला पॉइंट रहेगा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, देन हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, देन हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, देन रीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है. देखिए और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, नई और पुरानी शब्दावली, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, नई और पुरानी शब्दावली में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आज के जो शब्द हम यूज़ करते हैं, कि पुराने ज़माने में भी क्या वो शब्दों का वही मीनिंग था या मीनिंग चेंज हुआ है टाइम के साथ, वक्त के साथ, ये पढ़ेंगे. देन इतिहासकार और उनके स्रोत यानी साधन, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस, कि इतिहासकार, हिस्टोरियन जो इतिहास को लिखते हैं उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है, दोज़ हू राइट हिस्ट्री, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, दे नोन एज अ हिस्टोरियन. अब इतिहासकार और उन इतिहासकारों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या योगदान किया है, क्या कौन से काम किए हैं वो देखेंगे. और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उनके स्रोत क्या थे, सोर्सेज क्या थे. सोर्सेज के बारे में अगर मैं कहूँ तो, जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी चीज़ के बारे में, इतिहास के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कि उस वो जो इतिहास मैं आपसे बता रहा हूँ या मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं, तो उसका साधन क्या है, क्या मैंने वो किताब से पढ़ा है या क्या मैंने किसी डॉक्यूमेंट में वो पढ़ा है, क्या मैंने कहीं पिल्लरों पे पढ़ा है उसे या मैंने कहीं पे वो सुना है, ठीक है. इसको कहेंगे इतिहास के सोर्स, या तो इतिहास सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, साधन कहेंगे. रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, यानी न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप कौन कौन से आए, कौन कौन से ग्रुप थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन से बने, सामाजिक सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश हो गई, सोशल एंड कल्चरल थिंग्स हाउ इट इम्पोज, हाउ दिस बोथ थिंग्स आर डिफरेंट और गेट टुगेदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन क्षेत्र और साम्राज्य, यानी रीजन एंड एम्पायर, जैसे एम्पायर दिल्ली सल्तनत के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, मुगल सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अलग अलग बर्बन डायनेस्टी या सॉरी जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हम, बल्बन डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अलग अलग जो एम्पायर थे, एम्पायर डायनेस्टी थे, यानी कि एक साम्राज्य था, है ना, मुगल एक साम्राज्य है, बल्बन डायनेस्टी सुल्तान और सल्तनत डायनेस्टी, इन डायनास्टियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इनके साम्राज्य और साम्राज्य प्रस्थापित कैसे हुआ, साम्राज्य फैला कैसा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे पुराने और नए धर्म, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे पुराने और नए धर्म, कंपेयर भी कर सकते हैं हम इनकी तुलना, कंपेरेटिव स्टडी भी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि पुराने धर्म कौन कौन से थे और नए धर्म कौन से हैं और इनके प्रकार कैसे हैं और ये बने कैसे, या तो ये कह सकते हैं फॉलो आज भी किया जाता है या कुछ चेंजेस पहले थे और कुछ चेंजेस अब है, व्हाट आर द चेंजेस प्रीवियस एंड नाउ आल्सो, ठीक है. इसके बारे में हम देखेंगे, इनके कैरेक्टर्स देखेंगे. देन समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे, थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे हम सोचेंगे कि अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, समय के बारे में हम सोचेंगे और उस पीरियड के बारे में सोचेंगे कि उस समय में, उस पीरियड में वो इवेंट कैसा था, है ना,
कि वो घटना कैसे हुई और वो घटना का कौन कौन से तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पे लिए गए उस समय, यानी कि एक हो गया पीरियड और उस समय, समय हो गया, टाइम हो गया, और दूसरा क्या हुआ, पीरियड हुआ, कि कौन सा पीरियड था, कैसे हालात थे और कैसा टाइम था तब वो घटना जब हुई होगी प्रीवियसली। तो ये सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल पॉइंट, यानी हम ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बड़ा सुंदर सा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड कि व्हाट वी आर गोइंग टू व्हाट वी डिस्कस नाउ हियर, कि अभी हमने क्या डिस्कस किया है। तो चलिए फिर आज के लिए बस यहीं रुकते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट होगा, और हमारा जो थर्ड पार्ट होगा वो शुरू होगा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी कि नई और पुरानी शब्दावली के साथ शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।